हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल्स, सेवन बेसिक क्रिस्टल सिस्टम एंड ड्रेवियस लैटिस को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में बात करें तो बेसिकली आपके जो यूनिट सेल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और सेकेंड है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो पहले ये देखते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों को यूनिट सेल का डेफिनेशन क्लियर है ही, कल मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यूनिट सेल क्या होते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स में पहला मैंने आपको क्या बताया, पहला मैंने आपको बताया प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह के यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे यूनिट सेल्स जिसमें कि आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसमें कि आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर होते हैं, इन एट कॉर्नर्स पर होते हैं, उस तरह के यूनिट सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। अब ये आपके सिर्फ कॉर्नर्स पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये आपका, मान लीजिए ये आपका यूनिट सेल है, है ना। यूनिट सेल क्या होता है, कल मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये आप मान लीजिए कि आपका यूनिट सेल है। अब अगर इसमें ऐसा हो कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सिर्फ इसके एट कॉर्नर्स पर रहे, कौन से एट कॉर्नर्स, फर्स्ट आपका ये आपका सेकंड, यहाँ पर आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, और फिर यहाँ पे फिफ्थ, फिर ये वाला कॉर्नर सिक्स, सेवन, एट। सिर्फ इन एट कॉर्नर्स पर, जिस यूनिट सेल के सिर्फ इन एट कॉर्नर्स पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे सेकंड टाइप वाले में। सेकंड टाइप हमारा क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो अब ये समझिएगा कि सेंटर्ड यूनिट सेल्स हम लोग किस तरह के यूनिट सेल्स को बोलते हैं। ऐसे यूनिट सेल्स जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि आपके कॉर्नर पर तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहे ही, कॉर्नर्स पर तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहे ही इन एट कॉर्नर्स पर, लेकिन उसके साथ साथ इस यूनिट सेल की दूसरी जगहों पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहे, तो उस तरह के यूनिट सेल्स को हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब ये दूसरी जगह क्या हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है। दूसरी जगह का मतलब कि जैसे कि यहाँ पर ये जैसे इसके फेसेस है ना, फेसेस का मतलब कि ये तो एट आपके क्या हो गए, कॉर्नर हो गए, ये सब क्या है, जस्ट कॉर्नर है, है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यूनिट सेल के पास सिक्स फेस भी होते हैं। देखिए यहाँ पे एक फेस आपका ये हो गया फर्स्ट फेस, ठीक इसके बैक साइड पर यानी कि ये वाला जो ये वाला हिस्सा है ये इसका सेकेंड फेस हो गया, ये अबोव पे जो फेस है ये आपका थर्ड फेस हो गया, ये जो बिलो पे यहाँ पे फेस है ये आपका फोर्थ फेस हो गया, फिर आपको इधर एक फेस दिखाई पड़ रहा होगा ये वाला हिस्सा, ये फिफ्थ फेस हो गया, और इधर आपको एक फेस दिखाई पड़ रहा होगा, ये हो गया इसका सिक्स फेस। तो देखा जाए तो यूनिट सेल के पास कॉर्नर्स के अलावा फेस भी होते हैं, है ना। तो अगर ऐसा हो कि यूनिट सेल के इन कॉर्नर्स पर तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो ही, उसके साथ ही साथ या तो इसके इन फेस में से इन फेस के पास भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, या फिर इस यूनिट सेल के अंदर ये जो खाली जगह होती है, ये जो खाली जगह होती है, जो इसका बॉडी होता है, ये जो बॉडी के अंदर भी एटम हो, तो उस तरह के यूनिट सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में आप लोगों ने क्या समझा, सेंटर्ड यूनिट सेल में आप लोगों ने ये समझा कि सेंटर्ड यूनिट सेल्स हम ऐसे यूनिट सेल्स को बोलते हैं जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे होने के साथ साथ या फेस पे या फिर बॉडी पे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद हो, तो उस तरह के आप लोग यूनिट सेल्स को क्या बोलोगे, सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल्स होते हैं ये फर्दर सब डिवाइडेड है थ्री टाइप्स में। अब वो कौन से थ्री टाइप्स है, अगर हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल्स की बात करें तो सेंटर्ड यूनिट सेल्स फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका बॉडी सेंटर्ड, सेकेंड है आपका फेस सेंटर्ड, और थर्ड है आपका एंड सेंटर्ड। तो अब हम लोग एक एक करके तीनों को समझेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स की, कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स हम किस तरह के यूनिट सेल्स को बोलते हैं। अब समझिएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हम लोग ऐसे यूनिट सेल को बोलेंगे जिसमें कि क्या हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन एट कॉर्नर्स पर रहे ही रहे, और उसके साथ साथ
बॉडी के अंदर भी रहे। इसके बॉडी के अंदर यहाँ पर ये जो खाली जगह दिख रहा है इसके अंदर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी रहे, तो इस तरह के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे कि आप लोग ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इन सारे यूनिट सेल्स के ये जो एट कॉर्नर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो एट कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ही, साथ ही इसके बॉडी के अंदर जो खाली जगह है लाइक दिस, कि देखिए यहाँ पे क्या, ये जो अंदर खाली जगह है तो यहाँ पे भी एक पार्टिकल आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्टिकल जो बॉडी के कहाँ पे है, अंदर है। इसीलिए जो मैंने इसको क्या किया, कॉर्नर्स वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ ऐसे डॉट डॉट करके इसलिए दिखाया ताकि आपको ये पता चले कि ये क्या है, जस्ट बॉडी के अंदर एकदम बीचों बीच ये जो आपको वैकेंट स्पेस दिख रहा है यहाँ पर है, ठीक है। तो जो इस तरह के यूनिट सेल हो जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पर हो, यूनिट सेल के कॉर्नर पर हो और साथ ही साथ उसके बॉडी के अंदर भी हो, तो उस तरह के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आप लोग किस तरह के यूनिट सेल को बोलेंगे, ऐसे यूनिट सेल जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पर हो, इन एट कॉर्नर्स पर रहे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया है, इन एट कॉर्नर्स पर रहे और साथ ही साथ इस यूनिट सेल के ये जो सिक्स फेस मैंने आपको बताए थे 1 2 3 4 5 6, साथ ही साथ इन सिक्स फेस पर भी रहे, तो उस तरह के यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे कि आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड था तो कॉर्नर पे, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था। अब जब आप फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हो तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा, फेस सेंटर्ड पे कॉर्नर्स के साथ साथ, कॉर्नर्स पे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे ही, लेकिन कॉर्नर्स के साथ साथ ये जो इनके सिक्स फेसेस हैं, इन सारे सिक्स फेसेस पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे, तो इस तरह के यूनिट सेल को आप क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो सिक्स फेसेस पर इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, मैंने उसको नंबरिंग देकर आपको शो किया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिये यहाँ पे ये इस फेस को मैंने दिखा दिया कि ये आपका फर्स्ट फेस है, ये आपका सेकेंड फेस हो गया, ये आपका जो पीछे वाला फेस है, इधर वाला ये जो पीछे वाला फेस है, ये आपका थर्ड फेस हो गया, ये जो सबसे आगे यहाँ पे हो गया, आगे वाले को यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये आपका फोर्थ फेस है, इसको फोर्थ में बना देती हूँ, और अबव साइड वाला ये आपका फिफ्थ फेस पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, और ये जो बिलो पर है ये आपका सिक्स नंबर वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया। ओके, तो फेस सेंटर्ड भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे होते हैं और कॉर्नर्स के साथ साथ ऑल सिक्स फेसेस पर भी होते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स पर। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल आप ऐसे यूनिट सेल को बोलेंगे जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इनके एट कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एट कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं, उसके साथ साथ ये किसी दो फेस पर भी रहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पर रहे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर रहे प्लस किसी टू फेसेस पे रहे, टू जस्ट अपोजिट फेसेस पर, जैसे कि एक यहाँ पे रहे एक यहाँ पे रहे, ठीक है, या फिर एक यहाँ पे रहे और एक यहाँ पे रहे, टू जस्ट अपोजिट फेसेस, या फिर एक यहाँ और एक यहाँ रहे। तो ऐसे यूनिट सेल जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पर हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके यूनिट सेल के कॉर्नर पर हो और उसके साथ ही साथ टू अपोजिट फेसेस पर भी हो, तो उस तरह के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम लोग पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल को डिस्कस करते हैं। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल को समझने के लिए पहले हमें टू बेसिक टर्म्स को समझना होगा, वो है हमारा पहला एज लेंथ और जो दूसरा बेसिक टर्म है वो है हमारा एंगल्स बिटवीन एजेस। तो पहले हम लोग बात करते हैं एज लेंथ की, कि एज लेंथ क्या होता है। एज लेंथ को प्रैक्टिकली समझने के लिए हमें एक जनरल लाइफ के एग्जांपल को लेना होगा। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई बॉक्स दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला बॉक्स दिया गया और आपसे कहा गया कि आप इस बॉक्स का मेजरमेंट बताइए, ठीक है। तो अगर आप
बॉक्स का मेजरमेंट बताना होता है तो आप लोग क्या क्या चीजें बताते हैं? आप लोग यही बताते हैं ना कि इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है और इसकी ऊंचाई इतनी है। बेसिकली हम लोग क्या यही तीन चीज बताते हैं। अब अगर हमें इस बॉक्स का मेजरमेंट बताना होगा तो हम लोग कैसे बताएंगे? हम लोग यही बताएंगे ना कि इस बॉक्स की हाइट इतनी है। हाइट हम लोग कैसे चेक करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया के इसको मेजर कर लेंगे, है ना, टॉप से बॉटम या बॉटम टू टॉप वाला एरिया हम लोग मेजर करके इसकी हाइट बता देंगे, है ना। अब हाइट आप कहीं से भी मतलब मेजर करिए, चाहे इस एज से कर लीजिए, चाहे इस एज से कर लीजिए, चाहे पीछे से यहां से कर लीजिए, आप इसकी क्या बता लेंगे, इसकी हाइट बता लेंगे। फिर उसके बाद आपको अगर इसी बॉक्स का आपको कंप्लीट मेजरमेंट बताना है तो फिर आप उसके बाद इसका आप लेंथ चेक करेंगे। आप लेंथ कैसे चेक करेंगे, या तो आप यहां से यहां पर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट इस एरिया को मेजर कर लेंगे, या तो इस एरिया को मेजर कर लेंगे, या तो इसे, है ना। इस एरिया को आप मेजर करके, मतलब इस वाले हिस्से को आप मेजर करके इसका लेंथ बता देंगे, एरिया नहीं मतलब इस वाले हिस्से को आप मेजर करके आप उसका लेंथ बता देंगे। और आपको विड्थ बताना होगा तो आप क्या करेंगे, विड्थ बताने के लिए आप इस हिस्से को, है ना, इस वाले हिस्से को, बॉक्स के इस पार्ट को आप लोग मेजर करके बता देंगे कि हाँ इस बॉक्स की जो विड्थ है वो इतनी है। चाहे आप यहां से यहां तक आप चेक कर लेंगे, चाहे यहां से यहां तक मेजर कर लेंगे, चाहे यहां से यहां तक, चाहे यहां से यहां तक, इनमें से किसी भी हिस्से को आप मेजर करके उसका विड्थ बता देंगे, है ना। तो जैसे किसी नॉर्मल बॉक्सेस में होता है ना कि किसी नॉर्मल बॉक्सेस का हमें मेजरमेंट बताना होता है तो हम लोग जस्ट उसकी तीन चीजें चेक करते हैं, उसका हाइट, उसका लेंथ, उसका विड्थ, बस यही तीन चीजें चेक करते हैं। तो इन चीजों को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके एजेस को नापते हैं ना। अगर हमें हाइट बतानी है तो हम उसके हाइट के एज को मेजर कर लेते हैं, हमें लेंथ बताना है तो हम लोग लेंथ वाले एज को मेजर कर लेते हैं, और अगर हमें विड्थ बताना है तो हम लोग विड्थ वाले एज को मेजर करके बता देते हैं। तो सेम यही चीज क्या होता है, यूनिट सेल के केस में भी सेम यही चीज होता है। यूनिट सेल की कि हमें हाइट, लेंथ और विड्थ को बताने के लिए इसके एज का मेजरमेंट करना होता है, इसके एज को चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमने क्या किया, हमने ये वाला एज, जो इस यूनिट सेल का ये वाला एज है ना, ये वाले एज का मतलब कि जैसे ये वाला एज, इस फोर एजेस इसके क्या है, इक्वल है ना। तो अगर हमें यूनिट सेल के हाइट को बताना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसके इस वाले एज को किसी भी हिस्से से, चाहे यहां से मेजर करके बता देते हैं, है ना। अगर हमें हमें क्या करना होता है, हमें यूनिट सेल की लेंथ को बताना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसके इस वाले एज को मेजर करके बता देते हैं इजिली, चाहे हम यहां से मेजर कर ले, चाहे यहां से मेजर कर ले, चाहे यहां से मेजर कर ले, चाहे यहां से मेजर, है ना। और अगर हमें हमारे यूनिट सेल के विड्थ को बताना होता है तो कैसे करते हैं, हम लोग इस वाले हिस्से को मेजर कर लेते हैं। इस वाले हिस्से का क्या मतलब है, मतलब ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला हिस्सा हम लोग इसका यहां से मेजर करके इजिली बता देते हैं कि हमारे यूनिट सेल की इतनी विड्थ है, ठीक है। तो ये जो एज लेंथ टर्म होता है ये एक्चुअल में कुछ नया टर्म नहीं है, ये एज लेंथ जस्ट क्या कर रहा है, जस्ट हमारे यूनिट सेल के, अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो ये हमारे यूनिट सेल के जस्ट हाइट, लेंथ और विड्थ को बताता है। एज लेंथ का मतलब होता है कि वो बेसिकली वो पैरामीटर्स जो हमारे यूनिट सेल के किसको बताते हैं, हाइट, लेंथ और विड्थ को बताते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने इस वाले हिस्से को यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग यानी कि जो हम लोग बेसिकली जैसे हमारे बॉक्सेस में इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं ना। तो समझ लीजिए कि ये जो विड्थ वाला हिस्सा है उसे हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है जो कि बेसिकली हमारे यूनिट सेल के किसको बता रहा है, लेंथ को बता रहा है, तो उसे हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो हमारे यूनिट सेल की हाइट को बता रहा है, ये वाला एज, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सी से। तो एज लेंथ कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या है, जस्ट आपके यूनिट सेल के हाइट, लेंथ और विड्थ को बताता है। एज लेंथ का मतलब एज का लेंथ, ठीक है। अब वो एजेस आपके तीन डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक वो वाला एज है जो हाइट को बता रहा है, एक वो वाला एज है जो लेंथ को बता रहा है, और एक वो वाला एज है जो विड्थ को बता रहा है।
इसीलिए तीनों एज को हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग रिप्रेजेंट किया। एक को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, एक को बी से रिप्रेजेंट कर दिया, एक को सी से रिप्रेजेंट कर दिया। जो हमारा ये जेड एक्सिस के अलोंग वाला एज है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, जो हमारा ये जेड एक्सिस वाला है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, जो हमारा ये एक्स एक्सिस वाला है उसे हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो हमारा ये सी एक्सिस के अलोंग वाला एज है उसको हमने क्या किया, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग है उसे हमने सी से रिप्रेजेंट। सिंपल सी चीज है, एज लेंथ आप लोगों को आई थिंक अभी में अब समझ में आ चुका होगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एंगल्स बिटवीन एजेस की, कि एंगल्स बिटवीन एजेस क्या होते हैं। एंगल्स बिटवीन एजेस नेम से क्लियर लग रहा होगा, एज के बीच बनने वाला एंगल। अब हमारे पास तो यहाँ पे थ्री एजेस हैं, ए बी एंड सी, तो बस उन्हीं ए बी एंड सी एजेस के बीच के एंगल को चेक करना है। जैसे कि हमारा ये वाला, अगर हम इसे माने कि ये हमारा y एक्सिस के अलोंग वाला एज है ना, यानी कि ये c वाला हिस्सा है, चलिए हम इसको c मान लेते हैं, ठीक है, हमने इसको हमारे समझने के लिए c मान लिया। और ये वाला जो एज है, ये वाला एज जो हाइट को बताता है, ठीक है, ये सारे c हैं, जो हाइट को बताएंगे, जो इस बॉक्स की हाइट को बताएंगे वो सारे c है ना, सारे क्या है, c। चलिए अब ये वाला एज और ये वाला एज पीछे वाला, जो हमारे इस बॉक्स के लेंथ को बताएगा, उसको चलिए हमने मान लिया कि ये वाला एज लेंथ हमारा क्या है, बी है, ठीक है। और जो हमारे क्या करेगा, जो हमारे इस बॉक्स के विड्थ को बताएगा ये वाला, उस वाले एज को चलिए हमने मान लिया ए, ठीक है, ए मान लिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट बस इन्हीं एजेस के बीच के एंगल को चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखिये, इस वाले एज सी और बी, ये जो दिए दोनों जो एज है, इनके बीच का ये जो एंगल है ना, ये जो दोनों बीच एज के बीच का जो एंगल है, सी और बी के बीच का जो एंगल है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। जैसे इस बॉक्स में अगर हम लोग चेक करें तो ये सी वाला जो एज है और ये जो बी वाला एज है, एक दूसरे के जस्ट क्या है, परपेंडिकुलर है, जस्ट 90 डिग्री है ना। तो हमें ये तो देखना पड़ता है कि हमारा जो भी बॉक्स है या जो भी यूनिट सेल है उसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, ये तो चेक करना ही पड़ता है। लेकिन जो एजेस होते हैं उनके बीच कितना एंगल बन रहा है ये भी चेक करना पड़ता है, तभी हम लोग यूनिट सेल को सही से डिस्क्राइब कर पाएंगे, यूनिट सेल के साइज को बता पाएंगे, उसके शेप को बता पाएंगे, है ना। ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, बेसिकली पैरामीटर्स एक्चुअल में वो फैक्टर है जो हमारे यूनिट सेल के शेप को बताती है। और किसी भी यूनिट सेल के या किसी भी बॉक्स के, नॉर्मल बॉक्स के भी अगर हमें शेप को बताना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम जस्ट उसकी हाइट, लेंथ और विड्थ को चेक करते हैं, और साथ ही साथ ये भी चेक करते हैं कि जो एजेस, जो एज पॉइंट जो है, जो उसका एज पॉइंट है, उनके बीच कितना एंगल बन रहा है, उस एंगल को भी चेक करते हैं, तभी हम उसके साइज के साथ साथ उसके शेप को भी बता पाते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल्स बिटवीन एजेस हैं, ये भी कुछ नहीं है, ये भी जस्ट जो आपने अभी एजेस पढ़े हैं, जो हाइट लेंथ और विड्थ वाले, हाइट लेंथ और विड्थ को रिप्रेजेंट करने वाले जो एज है उनके बीच कितने डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है, जो एंगल ये बता रहे, जो डिग्री ये बता रहे हैं, वही एक्चुअल में क्या है, एंगल्स बिटवीन एजेस, ठीक है। तो सी और बी, जो आपका सी वाला एज लेंथ है और बी वाला एज लेंथ है, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो आपका अल्फा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके यहाँ पे जो आपका ये वाला है, बीटा वाले की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके किसके बीच के एंगल को बताता है, ए एंड सी के बीच का एंगल को बताता है, और ये जो ए और बी के बीच का एंगल बताता है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक भी है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि बी और सी, देखिए इस तरह से याद कर लीजिए, जैसे आपको मान लीजिए याद नहीं हो रहा है कि कौन से एज लेंथ के बीच कौन सा वाला एंगल बन रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो इसको याद करने का तरीका ऐसे कर लीजिए, ए बी और सी बेसिकली तीन चीजें हैं, ए को आप कनेक्ट करिए अल्फा से, बी फॉर आप कह दीजिए बीटा है, और सी फॉर आप कह दीजिए गामा है, जस्ट अपने समझने के लिए, ठीक, पॉइंट को याद रखने के लिए। आप क्या करिए, जैसे आपको बी एंड सी के बीच का एंगल पता करना है तो आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे आपने लिखा बी एंड सी, जब आपने देखा कि बी एंड सी, आप यहाँ पे बी और सी दोनों मेंशन कर चुके हैं, तो अभी बचा क्या है, ए बच गया ना,
ए यहाँ पे नहीं है, इस वाले सीरीज में ए नहीं है, तो इसका मतलब इसके बीच जो एंगल बनेगा वो अल्फा होगा, यानी कि ए होगा यानी कि अल्फा होगा। मतलब ए बी सी तीनों साथ में रहने चाहिए, जो नहीं है बस आप उसी को लिख लीजिए। जैसे आपको ए और सी के बीच का एंगल पता करना है, तो यहाँ पे ए और सी आपने दोनों लिख लिया है, बस यहाँ पे इस वाले सीरीज में बी नहीं आया है, तो आप बी फॉर बीटा करके आप ये बता दीजिए कि बी एंड सी के बीच क्या है, एंगल बीटा है। अब इस वाले सीरीज में क्या है, अगर आपको ए एंड बी के बीच बताना है, तो यहाँ पे ए और बी आपके पास दोनों है, जो तीसरी चीज नहीं है इनमें से वो सी नहीं है, और सी को आपने मान लिया कि चलिए सी एस गामा है, तो यहाँ पे सी नहीं था तो आपने बता दिया कि यहाँ पे गामा है। तो एक याद करने का तरीका हो सकता है कि कौन कौन से एज लेंथ के बीच कौन सा वाला एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल कंप्लीट हो गया है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बस इतना है कि यूनिट सेल के बेसिकली 6 पैरामीटर्स होते हैं। 3 आपके एज लेंथ होते हैं, ए बी एंड सी, जो कि आपके यूनिट सेल की हाइट लेंथ और विड्थ को बताते हैं, और 3 आपके एंगल्स बिटवीन एजेस होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, जो कि इन्हीं एज लेंथ के बीच के एंगल्स को बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा यहाँ पे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। अब हम लोग बात करेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेवियस लैटिसेस की। तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये देख लेंगे कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है और ये किस बेसिस पे बने हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड ट्रिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे इसे याद रखा जाए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, देन आएंगे ट्रिक में। देखिए, यहाँ पर देखिए, 7 क्रिस्टल सिस्टम को समझने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा कुछ बेसिक डिस्कशन करना होगा। देखिए, यहाँ पर जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के बॉक्सेस है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स के बॉक्सेस। तो अगर हम लोग क्या करें, अगर हम इन दोनों बॉक्सेस को देखें तो इनके शेप्स जो है वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि इनका हाइट, विड्थ और लेंथ, ये 3 चीजें जो है वो अलग अलग है, इसी की वजह से इसका शेप जो है हमें अलग अलग दिखाई पड़ रहा है ना। इसका हाइट, लेंथ और विड्थ कुछ और है, इसका हाइट, लेंथ और विड्थ कुछ और है ना, इसी वजह से दोनों के शेप क्या है, अलग अलग है। अब एक दूसरी बेसिक सी बात समझिएगा, दूसरी बात ये है कि जैसे अगर हम लोग इस बॉक्स को देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस एज और इस एज के बीच की अगर इस एंगल की हम लोग बात करें तो इसका एंगल हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इसका एंगल हमें 90 डिग्री दिखाई पड़ रहा है ना। ये वाला एज और ये एज, ये दोनों जो एज लेंथ है, ये जो दोनों लाइन्स है, ये एक दूसरे के क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री पर है तो इसका शेप हमें कुछ और दिखाई पड़ रहा है, इस सिचुएशन में इस बॉक्स का शेप हमें कुछ और दिखाई पड़ रहा है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों एजेस के बीच का एंगल चेंज कर दिया। अब देखिए, जो ये पहले अभी ऐसे 90 डिग्री था, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका एंगल जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब क्या ये इस एज और इसके बीच, इस एज लेंथ और इस एज लेंथ के बीच ये जो एंगल है, क्या अब ये 90 डिग्री है, नहीं है, है ना। तो जब मैंने इसके एंगल को चेंज किया, जो पहले 90 डिग्री था, अब कुछ और है, 90 डिग्री से कम है, तो अब देखिए, जो पहले जब 90 डिग्री था तो शेप कुछ और था, इस बॉक्स का शेप कुछ और था, लेकिन जब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका एंगल चेंज कर दिया तो इसका शेप देखिए बदल गया। पहले शेप कुछ और था, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा था, अब देखिए शेप क्या हो गया, इस बॉक्स का शेप जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से, जैसे कि आप लोगों ने बॉक्सेस के केस में देखा कि हाइट, लेंथ और विड्थ अलग होने से या फिर एंगल्स अलग होने से क्या होता है, बॉक्सेस का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, तो ठीक इसी तरह से हमारे यूनिट सेल्स में भी होता है। यूनिट सेल्स में अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, यूनिट सेल में अभी आप लोगों ने ए बी और सी के बारे में पढ़ा था, उसके अलावा आपने अल्फा बीटा और गामा के बारे में पढ़ा था, है ना। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि यूनिट सेल को आप लोग कैसे डिस्क्राइब करते हो, उसके शेप को कैसे डिस्क्राइब करते हो, उसके 6 पैरामीटर्स के थ्रू, ए बी सी उसके एज लेंथ,
और अल्फा बीटा गामा जो उस एज लेंथ के बीच का एंगल्स है उसके बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे बॉक्सेस में होता है ना कि आपके एज लेंथ और एंगल्स के चेंज होने से उनका शेप बदल जाता है, ठीक उसी तरह से यूनिट सेल्स के केस में भी होता है कि ए बी सी की वैल्यू चेंज हो जाने से, अल्फा बीटा गामा एंगल्स के चेंज हो जाने की वजह से जो यूनिट सेल्स के शेप होते हैं वो बदल जाते हैं। यूनिट सेल के शेप्स क्या होते हैं? बदल जाते हैं। आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी की बुक में जब ही कभी आप लोग जब बुक पलट रहे होंगे, अभी जब आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिट सेल जो है वो 7 अलग अलग शेप्स में आप लोगों को दिखाई पड़ा होगा। ऑलवेज आपको हमेशा ये वाला नहीं दिखाई पड़ा होगा कि एकदम से सब कुछ मतलब ए बी सी और तीनों की वैल्यू एकदम से बराबर है, हमेशा ऐसे यूनिट सेल्स नहीं दिखाई पड़े होंगे। कुछ आपको इस तरह के दिखाई पड़े होंगे, कुछ आपको ऐसे दिखाई पड़े होंगे जो बहुत ही इलोंगेटेड टाइप के दिखाई पड़े होंगे, है ना। आपको अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स दिखाई पड़े होंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अलग अलग एज लेंथ की वजह से, यानी कि एज लेंथ के चेंज होने की वजह से और अलग अलग अल्फा बीटा गामा के होने की वजह से, यानी कि अलग अलग एंगल्स के होने की वजह से जो हमारे यूनिट सेल्स जो होते हैं उनका शेप बेसिकली 7 टाइप्स का होता है। और यूनिट सेल का जब शेप 7 टाइप्स का होगा तो क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होंगे? 7 टाइप्स के होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनिट सेल का शेप 7 टाइप का होगा तो क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का कैसे हो जाएगा? मैं आपको बताती हूँ कैसे हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, इसके जस्ट पहले का जो लेक्चर था वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, क्रिस्टल लैटिस के बारे में। वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था ना यूनिट सेल्स के बारे में और क्रिस्टल लैटिस के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस जो होता है, अगर हम लोग देखें तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इसी यूनिट सेल का रिपीटेशन होता है, है ना। बार बार यूनिट सेल, एक तरह से क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो यूनिट सेल का रिपीटेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। लेकिन मैं आपको यूनिट सेल के बेसिस पे बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो यूनिट सेल का ही रिपीटेशन होता है, यूनिट सेल ही बार बार रिपीट करती है, और जिससे पूरा कंप्लीट आपका क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। तो जो वो क्रिस्टल लैटिस होता है, अब देखिए यूनिट सेल से बना है आपका क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस से आपका बनता है क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि जो क्रिस्टल्स, जो भी सॉलिड हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए आपका सॉल्ट है, NaCl सोडियम क्लोराइड जो हमारे घरों पे होता है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट का जो आपका एक डॉट आपको दिखता है वो क्या है, वो उसका क्रिस्टल है ना। तो उस क्रिस्टल के अंदर क्या है, वो जो आपको क्रिस्टल दिखाई पड़ रहा है उस क्रिस्टल के अंदर क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। और वो क्रिस्टल लैटिस किससे मिलकर के बना है, बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर के बना है, बहुत सारे यूनिट सेल के रिपीट होने से बना है। तो आप सोचिए कि अगर आपके यूनिट सेल का शेप जो है, यूनिट सेल का शेप अगर चेंज होगा तो आपके क्रिस्टल लैटिस का भी शेप चेंज होगा, और क्रिस्टल लैटिस का शेप चेंज होगा तो पूरे क्रिस्टल का शेप चेंज हो जाएगा, है ना। तो बस इसी शेप्स के आधार पर, यूनिट सेल्स के शेप्स के आधार पर जो आपके क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं वो बेसिकली 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, उनके नेम्स देख लीजिए। आपके 7 क्रिस्टल 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका क्यूबिक। क्यूबिक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम होता है जिसमें यूनिट सेल के एज लेंथ, जो तीनों एज लेंथ होते हैं ए बी सी, उनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है। ए बी सी तीनों एज लेंथ आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो एज लेंथ है तीनों आपस में बराबर होते हैं। और एंगल्स की बात करें अगर, तो अल्फा बीटा गामा तीनों ही आपस में बराबर होते हैं और तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ओके। जो आपका दूसरा क्रिस्टल सिस्टम है वो है आपका ट्राइगोनल, या फिर ट्राइगोनल को हम लोग रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, फिर याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगी। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, टफ नहीं लगेगा, अभी तुरंत लग रहा होगा, बाद में बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो सेकंड आपका रोम्बोहेड्रल है। रोम्बोहेड्रल के केस में क्या होता है, तीनों ही एज लेंथ आपस में बराबर होते हैं
और एंगल्स की अगर हम लोग बात करें तो एंगल्स अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में इक्वल होता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री वो नहीं होता, या तो 90 डिग्री से कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, फिर जो तीसरा क्रिस्टल सिस्टम होता है यानी कि यूनिट सेल का शेप जो होता है, यूनिट सेल के शेप के बेसिस पे जो क्रिस्टल सिस्टम बनता है वो आपका टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल के केस में क्या होता है, AB की वैल्यू इक्वल होती है बट C इक्वल नहीं होता है, और इसमें अल्फा बीटा गामा आपस में इक्वल होता है और तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल होता है। फिर इसी तरह से हेक्सागोनल में क्या है, AB इक्वल है C अलग है, बाकी अल्फा बीटा दोनों आपस में इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और गामा की जो वैल्यू होती है वो 120 डिग्री होती है। इसी तरह से आपका ऑर्थोरोम्बिक है, फिर ये चीजें आप लोग देख लीजिए, अभी आप लोग इन तीनों को समझने के बाद इसको आप खुद ही देख के समझ सकते हैं। इसी तरह से आपका मोनोक्लिनिक है, फिर इसी तरह से आपका ट्राइक्लिनिक है कि यहाँ पे ए बी सी तीनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती। जैसे आप ये वाले ही बॉक्स को देख लीजिए, यहाँ पे हाइट लेंथ और विड्थ तीनों आपस में इक्वल नहीं है, है ना, सारी चीजें अलग अलग है। तो इसी तरह से कुछ यूनिट सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके हाइट लेंथ और विड्थ तीनों ही इक्वल नहीं होते, ए बी सी तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती है और एंगल भी इक्वल नहीं होते और वो 90 डिग्री भी नहीं होते। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल सिस्टम है ना, सेवन क्रिस्टल सिस्टम इसको सुन सुन के बच्चे परेशान होते रहते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट यूनिट सेल का शेप है। यूनिट सेल के शेप अलग अलग टाइप, अलग अलग शेप्स के यूनिट सेल्स होते हैं, यानी कि टोटल 7 शेप्स के यूनिट सेल्स होते हैं। तो यूनिट सेल के शेप के चेंज होने की वजह से क्रिस्टल लैटिस का शेप चेंज हो जाता है, तो एक क्रिस्टल लैटिस का शेप चेंज हो जाता है तो अलग अलग शेप्स के क्रिस्टल लैटिस पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, अलग अलग शेप्स के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो उन्हीं क्रिस्टल्स के शेप्स के बेसिस पे हम लोगों ने कह दिया कि जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं और इनके ये नेम है, और उनके अगर हम लोग यूनिट सेल के पैरामीटर्स की बात करें यानी कि उनके लेंथ की और उनके एंगल्स की बात करें तो उनका ये होता है। ये एक सिंपल सी बात है। अब इसको याद कैसे रखा जाए, कैसे हम इन 7 नेम्स को याद रखें, कैसे उनके हम लोग एज लेंथ और एंगल्स को याद रखें, अब इसके लिए क्या तरीका है, तो तरीका इसके लिए मैं बताती हूँ। पहले मैं आपको नेम के लिए तरीका बता देती हूँ, फिर मैं आपको एज लेंथ और एंगल्स के लिए भी तरीका बता देती हूँ, आप लोग कैसे याद रखिए। देखिए, इसको पहले आप लोग याद करने का तरीका रख लीजिए, सी टी टी एच ओ एम टी। अब सी टी टी में क्या है, क्यूबिक ट्राइगोनल टेट्रागोनल। अब देखिए, आप ये कैसे याद रखोगे कि ट्राइगोनल पहले है, टेट्रागोनल बाद में है। ट्राई मतलब क्या, 3, टेट्रा मतलब क्या होता है, 4। तो नंबर्स में पहले 3 आता है तो 3 आपने ऊपर कर लिया, 4 बाद में आता है, जब आप लोग 1, 2, 3, 4 पढ़ते हो तो 4 बाद में आता है, तो आप टेट्रा बाद में कर लो। तो पहले क्यूबिक, फिर ट्राई, फिर टेट्रा। ओके, फिर उसके बाद ये एच ओ एम टी में एच क्या है, हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, तो 3, 4, 6 है ना, क्यूबिक हो गया, ट्राइगोनल हो गया, टेट्रागोनल हो गया और हेक्सागोनल हो गया। उसके बाद एच ओ एम टी, तो एच ओ एम टी में ओ ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, फिर ये दोनों सेम टाइप के नेम है, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। क्या हो गया, क्यूबिक ट्राइगो, क्यूबिक सी टी टी का मतलब क्या हो गया, क्यूबिक ट्राइगोनल टेट्रागोनल, और एच ओ एम टी में क्या होगा, हेक्सागोनल ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, एच ओ एम टी। देखिए, नेम्स क्या होते हैं, बार बार कॉपी पलटने से नेम्स याद हो जाते हैं रिविजन करते करते। बस सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस के लिए आप ये रख सकते हो माइंड में, सी टी टी एच ओ एम टी, सी टी टी एच ओ एम टी, सी टी टी एच ओ एम टी। बस इसी सीक्वेंस में आप पहले 7 क्रिस्टल सिस्टम के नेम को लिख लीजिए। अब आपको एज लेंथ लिखने का नंबर आता है, तो एज लेंथ में आप क्या कीजिए कि जो आपके स्टार्टिंग के 2 है उसमें तीनों की वैल्यू इक्वल है, एज लेंथ की तीनों की वैल्यू इक्वल है, तीनों में एज लेंथ बराबर बराबर है, एबीसी एबीसी बराबर बराबर है शुरू के 2 में। फिर उसके बाद तीसरे और चौथे नंबर में, यानी कि फिर से 2 लोगों में क्या है कि सी इक्वल नहीं है, ए बी इक्वल है। अभी तक क्या था, तीनों इक्वल थे, अभी सी इक्वल नहीं है। ओके, फिर लास्ट में जो 3 आपके रिमेन्स है उनमें क्या करिए, कोई इक्वल नहीं है, आपस में कोई इक्वल नहीं है, ए बी सी तीनों आपस में इक्वल नहीं है। ओके, तो कैसे याद करेंगे, पहले 2 में सब इक्वल है,
फिर उसके बाद के दो में क्या है, सी इक्वल नहीं है, फिर लास्ट के थ्री में कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद जब हम लोग इसकी बात करें, एंगल्स की बात करें, एज लेंथ के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उसकी बात करें, तो इसको आपको ऑल्टरनेट करके याद करना है। कैसे याद करना है, देखिए पहले क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आपस में इक्वल है, 90 डिग्री भी इक्वल, 90 डिग्री है, तीनों की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब ऐसे लिखिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। फोर टाइप्स की चीजें, अल्फा बीटा गामा 90, फोर टाइप्स की चीजें हैं और सब आपस में इक्वल है, ऐसे कर लीजिए। इसके बाद क्या करिए, इसके बाद क्या करिए, सिर्फ 90, ये तीनों आपस में बराबर है बट 90 डिग्री नहीं के इक्वल नहीं है, सिर्फ एक कट आपको लगाना है। फिर वही चार चीजें लिखिए, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, सिर्फ लास्ट में एक कट लगाइए। ओके, ऑल्टरनेट है यानी कि फिर से वही अल्फा बीटा गामा और 90 डिग्री सब आपस में इक्वल। पहले ये वाली चीज आई, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री सब इक्वल, फिर आपने लिखा वही अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री लिखा, बस लास्ट में एक कट लगा दिया कि 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, बाकी तीनों आपस में बराबर। फिर ऑल्टरनेट आप कर रहे थे तो फिर से अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री सब लोग आपस में बराबर बराबर है, ऐसे करके इसको याद कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए। अब ऑल्टरनेट है, फिर से वही चीज आएगी कि अब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इक्वल नहीं होगा। तो अभी क्या इक्वल नहीं है, सिर्फ गामा इक्वल नहीं है, गामा की वैल्यू 120 डिग्री हो गई है, तो आप लिखिए अल्फा बीटा और ये 90 डिग्री, ये तीन चीज आपस में बराबर बराबर, सिर्फ गामा को अलग कर दीजिए कि हाँ ये 120 डिग्री। फिर अल्टरनेट है तो फिर सारा बराबर बराबर आ जाएगा, फिर ऐसे लिखिए अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, सब आपस में इक्वल्स, ठीक है। फिर इसके बाद अब नंबर किसका आ रहा है कि कुछ इक्वल नहीं होगा, तो इस बार क्या इक्वल नहीं है, बीटा इक्वल नहीं है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बाकी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ये सारी चीजें आपस में बराबर बराबर। फिर लास्ट में क्या होता है कि ठीक है, हम अभी तक शुरू के सिक्स में तो अल्टरनेट करते आ गए कि पहले सभी बराबर, फिर कुछ अलग था, फिर सभी बराबर, फिर कुछ अलग था, फिर सभी बराबर, फिर कुछ अलग था, फिर लास्ट में कुछ भी आपस में इक्वल नहीं है। फिर यहाँ पे लिखिए अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री लिखिए और कुछ भी आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसे तरीकों से आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सेवन क्रिस्टल सिस्टम की, अब हम लोग बात करेंगे 14 ब्रेवियस लैटिसेस की। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 14 ब्रेवियस लैटिसेस होता क्या है, फिर मैं उसको भी याद करने का आपको तरीका बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी जस्ट इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि यूनिट सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पोजीशन के बेसिस पे जो आपके यूनिट सेल्स होते हैं बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स के। क्या क्या बताया था मैंने, मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव होता है एक, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, बॉडी, जिसमें कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पर एटम होता है। तीसरा फेस बताया, चौथा आपको एंड बताया, है ना। मैंने आपको ये बताया कि यूनिट सेल्स फोर टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। इतनी बात आप लोग को शुरू में ही समझ में आ गई थी। तो ये एक सिंपल सी चीज थी कि जहां पे आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस जगह पे मौजूद है, यूनिट सेल के किस पोजिशन पर मौजूद है, उसके बेसिस पे आपका यूनिट सेल फोर टाइप का होता है, ये आपको पता है। अब समझने वाली बात क्या है, इसके आगे की बात समझिए। इसके आगे की बात ये है कि जैसे कि आपको पता है कि जो आपके यूनिट सेल्स होते हैं उनका शेप जो होता है वो सेवन अलग अलग टाइप का होता है ना। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की वजह से जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं वो सेवन टाइप के होते हैं, ये भी आपको पता है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस फोर टाइप्स और इस सेवन टाइप्स को दोनों को मिलाना है। कैसे मिलाना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये जो क्यूबिक डिजाइन वाला जो आपका क्रिस्टल सिस्टम होता है ना, क्यूबिक डिजाइन वाला, इसको आप डिजाइन करके अपने समझने के लिए आप बोल सकते हो कि जो क्यूबिक डिजाइन वाला आपका जो क्रिस्टल सिस्टम होता है ना, यानी कि जो क्यूबिक शेप वाला जो आपका क्रिस्टल सिस्टम होता है ना, उसके केस में जो यूनिट सेल्स होते हैं वो बेसिकली थ्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूज होते हैं। कौन कौन से, एक प्रिमिटिव वाले, दूसरा बॉडी सेंटर्ड वाले, तीसरा फेस सेंटर्ड वाले। फिर से समझिएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि क्रिस्टल सिस्टम सेवन टाइप्स के होते हैं, किसके बेसिस पर सेवन टाइप के बनते हैं क्रिस्टल सिस्टम, यूनिट सेल के शेप के बेसिस पे, है ना।
कि सेवन डिफरेंट डिफरेंट टाइप शेप्स के यूनिट सेल्स होते हैं, तो उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की वजह से सेवन टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है, इसे थ्री टाइप्स के यूनिट सेल्स बना सकते हैं। कौन कौन से वाले बना सकते हैं? प्रिमिटिव वाला बना सकता है, बॉडी सेंटर्ड वाला बना सकता है, फेस सेंटर्ड वाला बना सकता है, ठीक है। एंड सेंटर्ड वाला क्यूबिक नहीं बना पाता, क्यूबिक शेप नहीं बना पाता। मतलब कि अगर कोई यूनिट सेल ऐसा है जिसके की कहां पर एटम है, जिसके की कॉर्नर पर और कॉर्नर पर एटम है, या फिर कॉर्नर प्लस बॉडी पर एटम है, या फिर कॉर्नर प्लस फेस पर एटम है, तो ऐसे वाले यूनिट सेल जो होते हैं वो क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल सिस्टम बना लेते हैं, क्यूबिक शेप का क्रिस्टल सिस्टम बना लेते हैं। लेकिन जिनके की एंड पर केवल एटम्स होते हैं, एंड कॉर्नर प्लस एंड पर एटम होते हैं, वो वाला यूनिट सेल क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल सिस्टम नहीं बना पाता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ये तीनों तरह के यूनिट सेल्स क्यूबिक शेप का क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं। ओके, अब अगर हम लोग बात करें ट्राइगोनल शेप के क्रिस्टल सिस्टम की, ट्राइगोनल शेप वाले क्रिस्टल सिस्टम की, तो इस तरह के शेप के क्रिस्टल सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव वाला यूनिट सेल बना सकता है। केवल ऐसा यूनिट सेल इसको बना सकता है, इस शेप के क्रिस्टल सिस्टम को, जिसके की कॉर्नर्स पर एटम होते हैं। किसी और जो दूसरे टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं ना, बॉडी, फेस और एंड वाले, वो लोग ट्राइगोनल शेप वाला क्रिस्टल सिस्टम नहीं बना पाते। ओके, फिर जो अगर टेट्रागोनल की बात करें, तो टेट्रागोनल शेप का क्रिस्टल सिस्टम प्रिमिटिव टाइप के यूनिट सेल भी बना सकते हैं और बॉडी सेंटर्ड वाले भी बनाते हैं। अगर हम हेक्सागोनल की बात करें, तो हेक्सागोनल शेप का क्रिस्टल सिस्टम सिर्फ प्रिमिटिव टाइप वाला यूनिट सेल बनाता है। अब इसके बाद ऑर्थोरोम्बिक की बात करें, तो ऑर्थोरोम्बिक शेप का क्रिस्टल सिस्टम प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ऑल फोर टाइप्स के यूनिट सेल्स इसको बनाते हैं। मोनोक्लिनिक की बात करें, तो इसको सिर्फ प्रिमिटिव वाला और एंड सेंटर्ड वाला ही यूनिट सेल बना पाता है। ट्राइक्लिनिक शेप के क्रिस्टल सिस्टम की बात करें, तो इसको सिर्फ प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल ही बना पाता है। ओके, तो अब आप देखिए, आपने सेवन क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द यूनिट सेल, और आपने ये भी देख लिया कि कौन से टाइप का यूनिट सेल किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम बनाता है। अब अगर आप लोग देखें, तो टोटल कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बन गए। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये वाला जो, मतलब टोटल कितने टाइप का 3D अरेंजमेंट बन गया, अगर हम लोग क्या करें, दोनों बातों को मिला दें, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के शेप्स के बेसिस पे पढ़ा कि यूनिट सेल के शेप्स के बेसिस पे पढ़ा कि क्रिस्टल सिस्टम सेवन टाइप्स के होते है ना, तो यूनिट सेल में पहले हम लोगों ने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात की, फिर हम लोगों ने यूनिट सेल के शेप की बात की। अब अगर हम लोग दोनों को मिला दें आपस में कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन कैसा है और यूनिट सेल का शेप कैसा है, दोनों को आपस में मिला दें, फिर मिला करके हम चेक करें कि टोटल कितने टाइप का 3D अरेंजमेंट बनता है, यानी कि टोटल कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, यानी कि टोटल कितने टाइप का क्रिस्टल लैटिस बनता है। क्रिस्टल लैटिस, जैसे कि आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस, मेन हेडिंग यही दी होती है ना, तो ओवरऑल आपको यही, आप पढ़ते पढ़ते फाइनली आप यहीं पर पहुंच गए हो कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पर फोर टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं, यूनिट सेल के शेप के बेसिस पर सेवन टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए, यूनिट सेल के शेप और यूनिट सेल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दोनों चीजों को अगर मिला दिया जाए, तो फाइनली कितने तरह के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, तो आप देखोगे टोटल 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। क्योंकि आपने देखा
कि क्यूबिक वाला थ्री टाइप्स से बन सकता है ना। फिर आपने देखा कि ट्राइगोनल वाला वन टाइप से बन सकता है, सिर्फ वन टाइप के यूनिट सेल से बन सकता है। टेट्रागोनल वाला आपके टू टाइप्स के यूनिट सेल्स से बन सकता है। इसी तरह से ये वाला वन टाइप्स के यूनिट सेल से, ये वाला फोर टाइप्स के यूनिट सेल्स से, ये वाला टू टाइप्स के यूनिट सेल्स से, ये वाला वन टाइप के यूनिट सेल्स से। यानी कि अगर आप इन सबको एड कर दो, 3+1+2+1+4+4+2+1 इन सबको आपस में एड कर दो, तो आपको पता चलेगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजिशन और यूनिट सेल का शेप दोनों बातों को अगर आपस में मिला करके देखा जाए तो टोटल 14 टाइप के थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट बन सकते हैं। यानी कि टोटल 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस बनते हैं, है ना। क्रिस्टल लैटिस का जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो टोटल कितने टाइप्स का है, 14 टाइप्स का क्रिस्टल लैटिस का अरेंजमेंट है। तो ये जो 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस के अरेंजमेंट बनते हैं, ये जो 4 टाइप्स के थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट्स बनते हैं, इन्हें ही हम लोग बोलते हैं 14 ब्रेवियस लैटिस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने 14 ब्रेवियस लैटिस नेम क्यों दिए, क्योंकि इन सारे क्रिस्टल लैटिस को हम लोग ब्रेवियस लैटिस नेम हम लोगों ने इसलिए दिया क्योंकि इस तरह के अरेंजमेंट के बारे में, ये जो 14 आपको अरेंजमेंट देखने को मिले, इस तरह के 14 अरेंजमेंट के बारे में जो फर्स्ट टाइम जो डिस्क्रिप्शन जिन्होंने दिया था वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका नेम था ब्रेवियस। तो उन्हीं के नेम के बेसिस पे इस सिस्टम को नेम दे दिया गया कि ये 14 ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे कि आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि बहुत सारे पहले ही दिन से आप पढ़ते आ रहे हो कि जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, फिर उन्हीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आप लोग अरेंजमेंट को आप पढ़ते आए यूनिट सेल के नाम पर, क्रिस्टल लैटिस के नाम पर, फिर आपको आप पढ़ते 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 फाइनली आप यहां पर पहुंच गए कि एक्चुअल में जो ये हम लोग छोटे क्लासेस से ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, ये हमें ऐसे ऐसे करके जो बताया जाता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर ऐसे अरेंज होते हैं, ये जो हमें बताया जा रहा है बचपन से, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना ये सॉलिड के अंदर, ये टोटल 14 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, है ना। हमारा क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो 14 तरीके का हो सकता है, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है ना सॉलिड के अंदर वो 14 तरीके से हो सकता है। फाइनली हम पढ़ते पढ़ते यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। तो आप लोग अब 14 ब्रेवियस लैटिस भी समझ चुके होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम इसे याद कैसे रखेंगे, इसे 14 ब्रेवियस लैटिसेस को, इस पूरे चार्ट को। तो ये थ्री पोर्शंस आपको कैसे याद रखना है मैंने बता दिया है, वो देखते देखते याद हो जाता है। बस ये जो चीजें हैं कि अब कौन सा वाला यूनिट सेल किस तरह के क्रिस्टल सिस्टम को बनाता है, इसको कैसे हम याद रखेंगे, तो इसका तरीका आप ऐसे रख सकते हो कि आप यहाँ पे एक नंबर याद कर सकते हो। ये जो 3124 1421 मैंने लिखा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, 312 142 1, इस तरह से आप इस नंबर को याद कर लो, 312 142 1, इस तरह करके आपने इस नंबर को याद कर लिया। तो ये जो शुरू में आपको 3 दिखाई पड़ रहा है, 3 का मतलब कि फर्स्ट वाले में शुरू के थ्री टाइप्स के पाए जाते हैं। शुरू के थ्री टाइप्स के यूनिट सेल्स कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव बॉडी फेस, ठीक है। फिर सेकंड वाले में क्या है, सिर्फ वन है, यानी कि सिर्फ प्रिमिटिव, यानी कि सिर्फ सिंपल। फिर इसके बाद थर्ड वाले में क्या होता है, शुरू के 2 प्रिमिटिव एंड बॉडी। फिर उसके बाद जो ये 1 है उसमें सिर्फ पहला वाला प्रिमिटिव। फिर उसके बाद जो 4 है, 4 में ऑल 4 प्रिमिटिव बॉडी फेस एंड सभी। फिर उसके बाद ये 2 जो लिखा है, तो इस वाले 2 में आप क्या करना, पहला और लास्ट लिख लेना। जैसे आपने जब यूनिट सेल को पढ़ा था तो आप लोगों ने पहले पढ़ा कि प्रिमिटिव, फिर आपने बॉडी के बारे में पढ़ा, फिर फेस, फिर एंड। तो फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट, प्रिमिटिव एंड एंड इसलिए सेकेंड वाले में, और लास्ट में सिर्फ फिर 1 है तो सिर्फ प्रिमिटिव। तो जहां जहां 1 नंबर आ रहा है वहां से प्रिमिटिव ही है, जहां पे 4 आएगा वहां ऑल 4, स्टार्टिंग में 3 है तो स्टार्टिंग के 3 सिंपल बॉडी फेस, और फिर उसके बाद 2 जगह पे 2 2 आ रहा है, तो पहले वाले 2 में प्रिमिटिव एंड बॉडी, दूसरे वाले 2 में प्रिमिटिव एंड एंड।
तो इस तरीके से आप इस प्रोटीन ब्रेविस लैटिस को याद भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।